का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने थाईलैंड पे एक वीडियो बनाया था कि थाईलैंड आप सिर्फ 20,000 रुपये में कैसे जा सकते हैं, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है या नहीं है और नॉर्मल वीज़ा कैसे प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थाईलैंड के लिए वीज़ा कैसे प्राप्त करें। थाईलैंड जाने के लिए आपको दो टाइप के वीज़ा मिल सकते हैं या आप ले सकते हैं, एक होता है अराइवल ऑन वीज़ा, एक होता है प्री वीज़ा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इन वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई करें, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करें। साथ ही बताऊंगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग वीज़ाज के। जैसा कि आप अपने स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, ये स्लाइड मैंने खुद बनाई है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो ये बात समझने में। पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए ये है कि आप अपना रिटर्न टिकट और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ज़रूर निकाल लें। साथ ही में जिस होटल में आप रुकने वाले हैं उसका प्रिंटआउट, उसका एड्रेस उस पर होना चाहिए। अगर आप 3-4 दोस्त लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो पर पर्सन 10,000 थाई बात यानी 20,000 रुपये होने चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली मेंबर्स को टोटल मिला के 20,000 बात आप लोगों के पास होना चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म आपको एयरपोर्ट पर जाके मिल जाएगा। वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है 1,000 थाई बात, जो इंडियन रुपीज़ में होता है 1900-2000 के आसपास। अगर अराइवल ऑन वीज़ा की लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप 1,200 थाई बात दे के एक्सप्रेस क्यू में भी लग सकते हैं। दूसरे टाइप का वीज़ा होता है प्री अराइवल वीज़ा। प्री अराइवल वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन थाई एम्बेसी की साइट पर जा सकते हैं या आप खुद पर्सनली वीज़ा सेंटर भी जा सकते हैं। वीज़ा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में है, कोलकाता में है और चेन्नई सर्कल्स में है। और हाँ, ये मुंबई सर्कल में नहीं है तो आपको चेन्नई सर्कल में जाना पड़ेगा। और सर्कल का मतलब ये नहीं है वो पर्टिकुलर उसी सिटी में है, जैसे दिल्ली, दिल्ली सर्कल में आप चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, जयपुर भी जा सकते हैं। इस वीज़ा की फ़ीस काफ़ी नॉमिनल है, सिर्फ 210 रुपये, और ये वीज़ा 10 दिन के अंदर आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। इस वीज़ा की वैलिडिटी 30 दिन तक होती है, जो अराइवल ऑन वीज़ा से 15 दिन ज़्यादा है। साथ ही में आपको चाहिए होगी आपकी एक फ़ोटोग्राफ, साथ ही 1 साल का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ एडवांटेज प्री ट्रैवल वीज़ा के। अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर ऐसी जगहों पर रहते हैं या कोई भी उस जगह पर जहाँ से थाईलैंड एम्बेसी पास में है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पर्सनली खुद जाके ऑफिस में फॉर्म भरें। आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, सब इंडियंस होंगे, अपनी सिटी होगी, अपनी कंट्री होगी, तो फॉर्म भरना काफ़ी आसान है बजाय एयरपोर्ट पर लाइन में खड़े रहना और एक्स्ट्रा पैसा देना, साथ में टेंशन अलग। क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट बैंकॉक में रात के 8 बजे लैंड होती है और आपको पटाया जाना है जो फ़्लाइट 2 घंटे बाद है, तो एयरपोर्ट पे भीड़ की वजह से आपकी ये फ़्लाइट छूट सकती है। तो बेटर है वीज़ा पहले ही ले लें अगर आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के आसपास भी रहते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाने से पहले अपना वीज़ा इंडिया से ही लेके जाएं, ताकि आपको एयरपोर्ट में थके हारे आप इंडिया से जाएंगे और खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेटर है इंडिया से ही अपना वीज़ा लेके जाएं। थाईलैंड एम्बेसी के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आप एक बार चेक कर सकें। साथ ही जो लोग जानना चाहते हैं कि अराइवल ऑन वीज़ा के लिए हम फॉर्म कैसे फिल करें या क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ चेकआउट करें इस लिंक को और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार।